आप सभी का चैनल में स्वागत है। टोकेंस की बात किए थे हम, तो उसमें बताया था आपको कि टोकेंस आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। आप जब कोई एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो उसमें जो छोटे छोटे एंटिटीज होते हैं उन्हें हम लोग टोकेंस कहते हैं। सी लैंग्वेज में अगर टोकेंस को क्लासीफाई करें तो हमने उसके 5 अलग अलग कैटेगरीज बताए थे। उसमें आपका था आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। आइडेंटिफायर की बात करें तो हमने बोला था कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एंटिटीज, जिसमें आप कोई भी चीज, अगर प्रोग्राम में किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्रामर खुद से कोई नाम सजेस्ट करे, वो आइडेंटिफायर था। कीवर्ड्स की बात करते हैं तो कीवर्ड्स के बारे में बताया था कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स व्हिच कन्वे अ स्पेशल मीनिंग इन योर प्रोग्राम, जो आपके प्रोग्राम में एक स्पेशल मीनिंग को कन्वे करता है। वी कैन नॉट चूज देम एज एन यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। तीसरा था हमारा लिटरल्स। यस, लिटरल्स वर द कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन इन अ प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते थे वो लिटरल्स कहलाते थे। अब वो कांस्टेंट कोई नंबर में है तो उसे हम इंटीजर कांस्टेंट, अगर वो कोई पॉइंट में है तो उसे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, अगर कोई अल्फाबेट्स या डिजिट्स है तो कैरेक्टर कांस्टेंट, कोई टेक्स्ट या सेंटेंस है तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते थे। उसके बाद बात करी थी ऑपरेटर्स की। यस, ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्राम्स में वो सिंबल्स जो हमारा किसी भी किसी न किसी कार्य को करने में इस्तेमाल होंगे, जिससे कि हम एक रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हम लोग ऑपरेटर्स का डिटेल्स देखने जा रहे हैं। उसके बाद हमने आपको सेपरेटर्स भी बताया था। सेपरेटर्स के बारे में बताया था कि सेपरेटर्स आर अगेन सिंबल्स जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के एलिमेंट्स को सेपरेट करने में करते हैं, जिसमें आपका कॉमा, सेमीकोलन, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, ये सारी चीजें आते हैं। उन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और समझते और देखते जाएंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जिनसे हम अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इफ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सो व्हाट यू हैव टू डू देयर, फर्स्ट यू हैव टू टेक अ नंबर, नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर विद इटसेल्फ। तो ये जो मल्टीप्लाई वर्ड बोले थे हमने, मल्टीप्लाई मतलब आप उस वर्ड, उस नंबर को उसी के साथ गुना करते, प्रोडक्ट करते। तो आप इस मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया था, वो एक ऑपरेटर। तो सी लैंग्वेज हमें अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिंबल्स देते हैं, जिन्हें हम ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और ऑपरेटर्स जो कि उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसपे हम लोग गौर करते हैं। तो बात करें ऑपरेटर्स की, तो पहला आपका आ गया अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स वैसा ऑपरेटर जो अरिथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने में मदद करे, जैसे आपके सामने लिखे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। ये आपका प्लस सिंबल है, ये माइनस सिंबल है। ये आपके रियल लाइफ में जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें भी प्लस और माइनस ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए आपके लैंग्वेज से सिमिलर है, हमने आपको फर्स्ट ईयर से ही बताते आ रहे हैं। यहाँ भी आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखने को मिलेंगी। यहाँ पे प्लस, यस, अगर आपको सी लैंग्वेज में भी कोई एडिशन का काम या समेशन का काम परफॉर्म करना हो तो आपको इसी तरह के सिंबल्स यूज करने होंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए ये सिंबल है, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ स्टेप्स यूज करते हैं, ये सिंबल हमें मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका डिवाइड का है, इंटीजर डिवीजन रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ये डिवीजन का सिंबल है। और लास्ट में जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, ये भी आपका डिवीजन ही करता है, लेकिन ये रिमाइंडर ऑफ एनी डिवीजन, कोई भी इंटीजर डिवीजन को ये जब करता है तो उसका रिमाइंडर शो करता है, इसे हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। और इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो वैल्यूज हैं ए और बी, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल टू 2। अब हम इसको अर्थमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो अगर ए प्लस बी लिख दें तो इनका रिजल्ट हो जाएगा 7, ए माइनस बी लिखे तो इसके रिजल्ट हो जाएगी आपको 3, ए मल्टीप्लाई बी लिखे तो इनका रिजल्ट होगा आपको 10, ए डिवाइड बी लिखें तो इसका आउटपुट होगा आपको 2,
एंड ए मॉडुलस बी लिखें तो इसका आउटपुट होगा 1। तो यहाँ पे आपका जो प्लस किया तो ये एडिशन किया, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई, ये डिवीजन, और ये आपका रिमाइंडर दिखा रहा है इट इज अ डिवीजन का। 5 को 2 से डिवाइड करिएगा तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर चीज देखिए यहाँ पे, जब भी किसी एक ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जाते हैं, जैसे ए प्लस बी हमने आपको दिखाया, तो द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द नेक्स्ट लोकेशन। C equals to A plus B, ये हमारा एक स्टेटमेंट हुआ जिसे हम एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन जो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स दोनों को लेके बना हो उसे हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए अब ऑपरेटर कौन है, तो ये आपका प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर है, और यहाँ पे C, A और B इन्हें हम लोग ऑपरेंड कहेंगे। तो ये आपका ऑपरेंड और दूसरा हो गया आपका ऑपरेटर, ये दोनों मिलके बनते हैं कोई एक्सप्रेशन। तो यहां पे आपको एक्सप्रेशन मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। उसी तरह से आप बात करते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स में अगर हम देखें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ये एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो हमें ऑपरेंड्स के साथ रिलेशनशिप शो करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हुए, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हुए। यहाँ पे आपका इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये डबल देख रहे हैं। डबल इक्वल टू का मतलब हो गया कि ये कहना चाहता है कि सपोज इफ वी हैव टू ऑपरेंड्स, सो दोनों आर, सो यहां पे अगर इफ वी हैव टू ऑपरेंड्स बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर इक्वल। नॉट इक्वल्स टू कहता है कि आपका दोनों में ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है। ये ग्रेटर देन कहता है कि आपका अगर हम सिंबल्स को ऐसे लिखें तो करता है ए ग्रेटर देन बी है, ये रिप्रेजेंट करता है ए लेस देन बी है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर हुआ जो दो ऑपरेंड के साथ रिलेशन चेक कर रहा है। डबल इक्वल्स टू मतलब बोथ इक्वल है कि नहीं। नॉट इक्वल टू ये कहता है कि दोनों इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन चेक कर रहा है कि ए बी से बड़ा है, लेस देन कर रहा है कि ए बी से लेस है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू कर रहा है कि ये इससे ग्रेटर और इक्वल टू है। उसी तरह से लेस देन और इक्वल टू होगा जो कहता है कि ए लेस देन या इक्वल है बी। इस तरह से हम लोग फिर अगले ऑपरेटर की बात करते हैं, तो उसमें आपका लॉजिकल ऑपरेटर आता है। लॉजिकल ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर जो लॉजिकल डिसीजन में मदद करते हैं। यहाँ पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में बात करें तो एक आपका होता है नॉट, दूसरा होगा आपका एंड, और तीसरा होगा आपका और। इसको हम लोग लॉजिकल नॉट कहते हैं, इसको हम लॉजिकल एंड कहेंगे, और ये आपका लॉजिकल और होगा। लॉजिकल नॉट कहता है तो ये हमेशा सिंगल ऑपरेंड के साथ काम होता है। जैसे अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर इसके आगे नॉट लग गया तो कहना चाहता है कि ए बी से बड़ा नहीं है। अगर हम बात करें कि a डबल इक्वल्स टू b है, अब इसमें जो भी रिजल्ट आता है उसको ये सीधे कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये आपका लॉजिकल नॉट है। दूसरा है आपका लॉजिकल एंड। एंड मतलब अगर हमारे पास एंड करता है इफ वी हैव स्पेसिफाइड मोर देन वन कंडीशंस, एंड करता है कि बोथ कंडीशंस शुड बी करेक्ट। जैसे हमने लिखा है कि a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, यहां पे एंड कहता है कि ये भी सेक्शन हो और ये भी हो, a b से भी बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो। सो एंड कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है तो दोनों कंडीशन शुड बी राइट। और जस्ट अगर बात करें तो ये और आपका कहता है
कि या तो ए बी से बड़ा हो या ए सी से बड़ा, और मीन्स या तो आपका ये बड़ा हो, ये मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ये करे या दोनों करे। एंड कहता है लॉजिकल एंड कि आपका अगर दो कंडीशन है तो दोनों सेटिस्फाई होगा तभी ये रिटर्न करेगा, इसको ट्रू मानेगा, सही मानेगा। और कहता है कि दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो उसे वो सही मानेगा। नॉट कहता है कि अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे वो नहीं कर देगा, और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे नॉट यस कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन को ट्रू या फॉल्स में समझें, अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि बोथ कंडीशंस शुड बी ट्रू, तब ये एंड कहेगा कि यस ट्रू है। और कहता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गया। बिटवाइज ऑपरेटर्स में ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये एंड है, ये बिटवाइज और है, ये बिटवाइज एक्सॉर है, इसको एक्सक्लूसिवली और कहते हैं, ये आपका राइट शिफ्ट है और ये लेफ्ट शिफ्ट। ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये आपका बिटवाइज एंड हो गया, ये आपका बिटवाइज और हो गया, ये बिटवाइज एक्सॉर हो गया, ये आपका बिटवाइज राइट शिफ्ट हो गया, ये आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हो गया। सो ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर, नाम से ही समझ में आ रहा है बिटवाइज ऑपरेटर। वैसे ऑपरेटर्स जो बिट वैल्यू के साथ काम करते हैं, बिट वैल्यूज, अब आपको पता है कि बिट वैल्यू सिर्फ दो ही होते हैं, जीरो या वन, जीरो या वन। अगर बात करते हैं कि इस सीरीज में, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये बिट वाइज नॉट है जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, तो मान लीजिए सिंगल ऑपरेंड है ये, हम लोग इसको इस सिंबल की बात करते हैं, ये सिंबल अगर यूज करें हम, तो उस केस में अगर x की वैल्यू जीरो होगी तो ये वन कर देगा, अगर x की वैल्यू वन होगी तो ये जीरो कर देगा। ये बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट का इस तरह से काम करता है। एंड की बात करें तो बिटवाइज एंड में क्या होता है कि आपके पास बिटवाइज एंड दो या दो से ज्यादा के साथ काम कर सकता ही है। तो अगर मान लीजिए हम लोग बिटवाइज एंड की बात करें, तो बिटवाइज एंड करता है कि इसमें से कोई भी अगर एक बिट वैल्यू जीरो होता है तो रिजल्ट आपका जीरो होता है, ये भी जीरो जीरो जीरो, दोनों आपका वन होगा तो आपका रिजल्ट वन होगा। उसी तरह से हम लोग अगर बात करें बिटवाइज और की, तो बिटवाइज और कहता है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं जिनके वैल्यू तो आपको पता है, मैंने बताया बिट वैल्यूज यही होंगे दो, और इनके साथ अगर और यूज हो तो ये आपको रिजल्ट देगा। ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट वन हो तो आपका आउटपुट वन है। तो ये बिटवाइज और हो गया। अगर बात करें बिटवाइज एक्सॉर की, एक्सॉर मीन्स एक्सक्लूसिवली और बोलते हैं इसको, ये कहता है कि अगर जो ऑड होंगे तो रिजल्ट वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। तो ये देखिए सेम है, ये ऑड है, ये भी ऑड वन है, तो जो ऑड वंस है उसमें रिजल्ट वन होगा और नहीं तो फिर जीरो होगा। ये एक्सक्लूसिवली और कहता है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर की, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू जीरो 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 वन वन जीरो जीरो वन जीरो, अगर हम लोग x राइट से 2 करें तो ये आपका वैल्यू होगा, ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और लेफ्ट साइड में दो जीरो ऐड हो जाएंगे, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये दो चीजें जो राइट साइड में है वो आपके
इससे बाहर हो जाएंगे और इसके शुरुआत में दो लेफ्ट में डिजिट्स ऐड हो जाएंगे और ये एक्स का नया वैल्यू हो जाए। ये अगर वाई इक्वल्स टू करें तो वाई में चला जाए। उसी तरह से अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो एक्स अगर इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट टू करते और हमारा अगर यही एक्स का वैल्यू होता तो ये दो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता और फिर आपका राइट साइड में दो जीरो ऐड हो जाता। तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज के बाद आगे अगर हम बात करें तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी आता है। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कहा गया है कि वैसा ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करने में मदद करे। अब यहां देखिए जैसे इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल्स टू, ये स्टेरिक्स है। अब ये इक्वल टू क्या करता है? हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर में डबल इक्वल देखा था जो कि दो ऑपरेंड्स को ये चेक करता था कि दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, ये इक्वल है कि नहीं। उसी तरह से यहां पे सिंगल इक्वल्स टू कहता है कि अगर एक ऑपरेंड है और ए इक्वल्स टू हमने 5 लिखा तो ये 5 विल बी असाइन टू ए, ए के लिए 5 असाइन हो जाएगा, मतलब 5 ए में चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम कभी एक्सप्रेशन ऐसा देते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस टेन, ऐसा अगर एक्सप्रेशन आपको कहीं देना होता है प्रोग्राम में तो आप इसकी जगह पे, इसके जगह पे आप ए प्लस इक्वल टू टेन मेंशन कर सकते हैं। ये प्लस इक्वल्स टू का मतलब यही हुआ ए इक्वल्स टू ए प्लस टेन। उसी तरह से अगर ए इक्वल टू ए माइनस टेन लिखा है तो इसके जगह पे हम लोग ए माइनस इक्वल्स टू टेन भी दे सकते हैं। ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई टेन दिया है तो इसके जगह पे a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 भी हम लोग दे सकते हैं। अगर हमारा ऐसा एक्सप्रेशन होता है a इक्वल टू a डिवाइडेड 10 तो इसके जगह पे a डिवाइड इक्वल टू 10 भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। कट करता हूं, इसके बाद बात करते हैं हम लोग तो इस तरह से हम लोगों ने अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये पांच ऑपरेटर्स का हम लोगों ने लिस्ट देखा। अब कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे एक आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट में आपका माइनस माइनस ऑपरेटर है। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस जिसे हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये ऑपरेटर जो है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, इसीलिए हम लोग इसे यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। हमने एक वैल्यू लिया है, अब हम इसके साथ अगर प्लस प्लस लगाते हैं तो इसकी वैल्यू 6 हो जाए। तो प्लस प्लस ऑपरेटर दिए हुए ऑपरेंड के वैल्यू को बढ़ा देता है। और अगर हम बात करें माइनस माइनस की तो ये दिए हुए ऑपरेंड के वैल्यू को एक कम कर देता है। अब ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है ये दोनों फॉर्म में यूज होता है, प्रीफिक्स फॉर्म में भी यूज होता है और पोस्टफिक्स फॉर्म में। प्रीफिक्स मतलब ऑपरेंड के पहले भी यूज कर सकते हैं और पोस्टफिक्स का मतलब ऑपरेंड के बाद भी यूज कर सकते हैं। अगर ये किसी एक ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स किसी भी फॉर्म में तो इसका कोई इफेक्ट, दोनों फॉर्म में बराबर ही इफेक्ट होता है। मतलब आप अगर प्लस प्लस को ऑपरेंड के पहले लगाइए या बाद में, अगर हम आउटपुट देखें तो सेम होता है। लेकिन अगर हम लोग इस ऑपरेंड का इस्तेमाल किसी एक्सप्रेशन में करेंगे तो यहाँ पे फिर ये इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। हमने बात करी थी सेपरेटर्स की और सेपरेटर सेक्शन में हमने आपको बताया था कि वैसे सिंबल्स जो हमारे प्रोग्राम के एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, जिसमें आपका कॉमा आता है, यस ये दो ऑपरेंड्स को सेपरेट करेगा। सेमी कलर जिस तरह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप यूज करते हैं स्टेटमेंट को कंप्लीट करते वक्त, उसी तरह से सेमी कलर यूज होता है सी लैंग्वेज में। कर्ली ब्रेसेस एक ब्लॉक को सेपरेट करता है, पैरेंथेसिस
ये आपके आर्गुमेंट को सेपरेट करता है, ब्रैकेट से इंडेक्स को सेपरेट करता है। तो इस तरह से हमारे छोटे छोटे ये सब सिंबल्स यूज होते हैं, ये सेपरेटर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो हमने पूरे सी टोकेंस के बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया, अब हम अपने आप को तैयार कर लिए ताकि हम अब सी लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम डिजाइन कर सकें। एक महत्वपूर्ण बात और आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें आप वीडियोस में देख रहे होते हैं, अगर आपको इसके नोट्स की ज़रूरत हो तो हम अपने वीडियोस के साथ इसकी नोट्स भी शेयर करेंगे, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।